नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज से हम मेन्स की क्लासेस क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं मेन्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमको हम तो बिगिनर्स हैं हम अभी मतलब हमने तो बेसिक भी नहीं देखा तो क्या हम मेंस लेवल की क्लासेस देख सकते हैं तो दोस्तों देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग में मेंस लेवल जो पजल होता है ये किसी भी चीज़ से कुछ रिलेट नहीं करता कि मतलब आपने अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं बना पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होता आप मेंस लेवल के पजल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो किसी भी पजल से स्टार्ट कर सकते हो चाहे आपको उसका बेसिक पता है या ना पता हो ठीक है क्योंकि पजल का कोई बेसिक नहीं होता पजल क्या है एक आपको पैराग्राफ दे दिया आपको सॉल्व करना है दिमाग लगाना है आपको बस आपको सॉल्व करना है उसका कोई बेसिक नहीं है उसमें कोई रूल्स नहीं होते उसके कोई आ, कंसेप्ट नहीं होते कुछ भी नहीं होता सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं इससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अनकेडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप नए यूजर हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं आप लोगों की बहुत सारी फ्री क्लासेस मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीक में बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी और उसमें पूरा का पूरा मैं मेन्स लेवल करवाने वाला हूँ तो जरूर देखिएगा दोस्तों क्लासेस मिस नहीं करिएगा चलिए स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड टाइम एक छ से आठ मिनट मैक्स इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों और ये क्लर्क मेंस लेवल है क्लर्क मेंस लेवल है ये पीओ मेंस लेवल दोस्तों यहां पर करवा पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्रीन में इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा तो वो स्पेशल क्लासेस जो अनकेडमी पर फ्री क्लासेस होंगी वहां पर मैं करवाऊंगा जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिजल्ट कब तक आएंगे देखिए रिजल्ट मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में आने स्टार्ट हो जाएंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का तो आ चुका है कल बाकी के जो रिजल्ट हैं उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में आ जाने चाहिए सारे के सारे बीस तारीख के पहले पहले मिल जाएंगे आपको ये क्लर्क मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी बनाने की कोशिश करिए छह से आठ मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें ये पहला पैराग्राफ मैंने नहीं दिया है आप उसको इधर से पढ़ लीजिएगा देखिए लास्ट लाइन में ये बोला हुआ है यू इज यंगर देन द वन फ्रॉम ऑस्ट्रिया जो भी ऑस्ट्रिया से है यू उससे छोटा होगा डब्ल्यू इज नॉट द यंगेस्ट डब्ल्यू जो है वो सबसे छोटा नहीं होगा ये आपको दिया हुआ है डब्ल्यू इज नॉट द यंगेस्ट ये लिखा है लास्ट में आप इधर हिंदी से भी तो देख सकते हो डब्ल्यू सबसे कम उम्र का व्यक्ति नहीं है सॉल्व हुआ किसी का चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों काफी समय दे चुका हूं स्टार्ट करते हैं इसको उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा नहीं बन रहा है वो बात अलग है तो इधर ध्यान देते जाइए देखिए यहां पर क्या बोला एट परसेंट नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अमंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अमेरिका रशिया जमाइका ऑस्ट्रिया एंड इटली बट नॉट ने सेम ऑर्डर ईच ऑफ दॉ बॉर्न इन डिफरेंट इस बट इन द सेम मंथ प्रेजेंट एज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इवेंटी ट्वेंटी नो टू पर्सन हैव सेम एज नो वन वॉज बॉर्न बिफोर नाइनटीन एटी टू एंड नो वन वॉज बॉर्न आफ्टर नाइनटीन नाइनटी नाइन तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या बोला गया है कि टोटल आठ पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू वीडब्ल्यू ठीक है सभी अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उसके बाद आप लोगों को बोला था कि सभी के सभी एक ही मंथ में बॉर्न हुए मतलब आपको एज जो लेनी है वो एक परफेक्ट मतलब ईयर के हिसाब से लेनी है आपको ऐसा नहीं लेना है कि चार चार साल दो महीना चार साल छह महीना ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है उसी चीज के लिए आपको यहां पर दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम वॉज बॉर्न इन द डिफरेंट ईयर बट इन द सेम मंथ ठीक है आगे बोल रहा था प्रेजेंट एज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2020 मतलब 2020 के हिसाब से प्रेजेंट एज को कैलकुलेट हमको करना है नो टू पर्सन हैव सेम एज किसी भी दो पर्सन की सेम एज नहीं होगी और 1982 और 1999 के बीच में ही होने चाहिए सारे के सारे 1990 1982 के पहले कोई बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1999 के बाद कोई बॉर्न नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो पर देखिए दोस्तों क्या है पी वॉज बॉर्न इन नाइनटीन नाइनटी वन और नाइनटीन नाइनटी सेवन ठीक है तो इसको लिख लेते हैं भाई पी का जो एज होगा मतलब ईयर जो होगा वो या तो 91 वन होगा ठीक है या तो नाइनटी सेवन होगा और आपको क्या बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड द वन फ्रॉम जमाइका इज फिफ्टी थ्री ईयर्स पी प्लस जमाइका टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा है ये फिफ्टी थ्री ईयर्स ठीक है इसके बाद बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द वन फ्रॉम जमाइका एंड द वन फ्रॉम रशिया इज नाइन ईयर्स जमाइका और रशिया वाले का जो डिफरेंस होगा तो जमाइका और रशिया वाले का जो डिफरेंस है वो टोटल नाइन ईयर्स दिया हुआ है आपको ठीक है इसके अलावा अच्छा इसको मॉड लगा दीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये डिफरेंस है जमाइका से रशिया को माइनस करना है ऐसा जरूरी नहीं है रशिया से भी जमाइका को माइनस किया जा सकता है ठीक है अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ द वन फ्रॉम रशिया एंड यू इज परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ द वन फ्रॉम रशिया एंड यू इज परफेक्ट स्क्वायर तो मतलब कि रशिया ठीक है और यू इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये एक स्क्वायर वैल्यू आएगी एक स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए ठीक है स्क्वायर वैल्यू मतलब कि या तो वन आ सकता है या फोर आ सकता है ठीक है नाइन आ सकता है सिक्सटीन आ सकता है ट्वेंटी फाइव आ सकता है ऐसा कुछ भी आ सकता है आगे आपको बोल रहा है नीदर एस नॉर यू इज फ्रॉम अमेरिका एस और यू जो है ये अमेरिका से बिलोंग नहीं करते ठीक है भाई एस और यू ये दोनों के दोनों अमेरिका से बिलोंग नहीं करते टी इज नीदर फ्रॉम रशिया नॉर फ्रॉम इंडिया टी जो है वो रशिया और इंडिया दोनों जगह से नहीं है तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सेट किस चीज को करना है किस चीज को सेट कर सकते हैं जल्दी से बताइए कंट्री देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते जाइए आपको कंडीशन से ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई किस चीज को सेट करना चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो टी इज नीदर फ्रॉम रशिया एंड नॉर इंडिया टी जो है वो ना तो रशिया से है ना तो इंडिया से है अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो टी ना तो रशिया से है ना तो इंडिया से है ठीक अब ऐसे अगर मैं कंडीशन लिखने लगा कि भाई यू और एस दोनों अमेरिका से नहीं है टी रशिया और इंडिया से नहीं है तो ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन बनने लग जाएगी अब यहां पर दोस्तों एक चीज और है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ईयर पूरे मतलब लाइन से तो दिया नहीं है जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें लाइन से ईयर दे दिया जाता है कि 1984 में एक बॉर्न हुआ है फिर 86 में हुआ है फिर 89 में हुआ है फिर 91 में फिर 93 में उसमें आप कर सकते हो ईयर को सेट लेकिन यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा इस वजह से हम क्या करेंगे क्या करेंगे कंट्रीज को सेट करेंगे चलिए तो कंट्रीज के नाम यहां पर लिखते हैं कंट्रीज के नाम कौन कौन से दिख रहे हैं दोस्तों आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ठीक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इसके बाद देखिए क्या है अमेरिका रशिया जमाइका अमेरिका रशिया जमाइका और क्या इसके बाद ऑस्ट्रिया और टेली तो ये दोस्तों सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जल्दी अब देखिए दोस्तों इसमें क्या-क्या चीज बोला हुआ था एस और यू अमेरिका से नहीं है तो अमेरिका में यहां पर एस और यू को हम क्रॉस कर देते हैं एस और यू ठीक है वैसे ही ये टी जो है वो रशिया और इंडिया से नहीं है तो रशिया में टी को क्रॉस कर देते हैं और इंडिया में भी टी को क्रॉस कर देते हैं ठीक है तो ये वाली आपकी कंडीशन हो गई इसको मैं हटा देता हूं यहां से चलिए आगे पढ़ेंगे आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है आपको डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ यू एंड एस इज इलेवन ईयरस यू और एस की जो भी एज का डिफरेंस होगा वो ग्यारह साल होगा यू और एस की एज का जो भी डिफरेंस होगा वो ग्यारह साल होगा ठीक है उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ द वन फ्रॉम रशिया एंड एस इज फिफ्टी सेवन ईयर मतलब कि रशिया और एस रशिया और एस का जो सम निकालोगे तो वो टोटल कितना आना चाहिए फिफ्टी सेवन ईयर आना चाहिए ठीक है यहां पर देखिए क्या बोल रहा था सम ऑफ ऑफ द द एजेस वन फ्रॉम रशिया एंड एस इज फिफ्टी सेवन ईयर ठीक है उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक है आगे क्या बोल रहा है क्यू इज फ्रॉम इटाली एंड थ्री ईयर यंगर देन एस क्यू इज फ्रॉम इटाली क्यू जो है वो इटैली से है तो यहां पर देखिए दोस्तों ये इटेली दिख रहा था यहां पर क्यू लिख देते हैं हम क्यू जो है वो इटैली से है और क्या बोल रहा है एंड थ्री ईयर यंगर देन एस और ये थ्री ईयर यंगर है किससे एस से दोस्तों एस आपको तो पता नहीं है लेकिन हम यहां पर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एस माइनस थ्री करने से क्यू आ जाएगा ऐसा बोल सकते हैं भाई अगर एस से तीन साल छोटा है तो तीन साल छोटा मतलब कि भाई एस की जो भी एज होगी उसमें तीन माइनस करने से क्यू की एज आ जानी चाहिए उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आई होगी आप लोगों को ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यू एंड द वन फ्रॉम इंडिया इज टू ईयर क्यू और इंडिया वाले का जो सम होगा वो सिक्सटी टू ईयर होगा ठीक है क्यू और इंडिया वाले का जो सम होगा वो सिक्स टू ईयर्स होगा चलिए यहां पर लिख देते हैं क्यू प्लस इंडिया टू सिक्सटी टू ईयर्स और क्या बोल रहा है आपको द एज ऑफ ऑफ द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑस्ट्रेलिया वाले की जो भी एज होगी वो स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए ठीक है स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए द एज ऑफ द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नीदर पी नॉर आर इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पी और आर दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करते तो यहां पर पी और आर को लिख के क्रॉस कर देते हैं ठीक है और क्या बोल रहे हैं आपको सम ऑफ द एजेस ऑफ द वन फ्रॉम अमेरिका एंड द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज 61 इयर्स मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का टोटल कितना आना चाहिए आना चाहिए सम ऑफ ऑफ द द एजेस वन फ्रॉम अमेरिका एंड द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो ये हो गया दोनों का ठीक है देखिए दोस्तों एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी कि ये जो लिखा हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रिया भी है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आप लोगों को ठीक है ऑस्ट्री ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों का आपको क्या बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ वन फ्रॉम अमेरिका एंड द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज 61 इयर्स तो ये दोनों का टोटल 61 आना चाहिए ठीक है ये 61 आना चाहिए आगे चलते हैं आगे क्या बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ द वन फ्रॉम अमेरिका एंड द वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज 61 वन ईयर्स द एज ऑफ आर इज एन ईवन नंबर आर का जो भी एज होगा वो ईवन नंबर होगा तो यहां तो हमने आर कहीं पर सेट किया नहीं है लिख लेते हैं आर इवन होना चाहिए ठीक है इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ईदर द वन हुई और पी इज फ्रॉम अमेरिका आपको बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से या तो पी सॉरी अमेरिका से या तो पी होना चाहिए या तो जिसकी एज ट्वेंटी फाइव है वो होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखिए फिर से इसको ईधर द वन हुज एज इज ट्वेंटी फाइव या तो पच्चीस साल की उम्र वाला या फिर पी इज फ्रॉम अमेरिका तो अमेरिका में या तो यहां पर पी आना चाहिए या तो ट्वेंटी फाइव आना चाहिए कोई एक ही वैल्यू आनी चाहिए तो यहां पर हम पी ट्वेंटी फाइव कोई एक वैल्यू आनी चाहिए तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे हम ऑब्लिक कर देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा दोनों के दोनों नहीं आएंगे ठीक है चलिए और आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहा है यू इज यंगर देन द वन फ्रॉम ऑस्ट्रिया यू जो है वो यंगर है किससे ऑस्ट्रिया से तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया ये बड़ा होगा किससे यू से उसके बाद बोल रहा है डब्ल्यू इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन डब्ल्यू जो है वो यंगेस्ट पर्सन नहीं है तो यहां पर लिख लेते हैं भाई डब्ल्यू यंगेस्ट नहीं होगा चलिए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है अब कंडीशंस के हिसाब से देखते हैं दोस्तों कौन सी कंडीशन हम इसमें सेट कर सकते हैं चलिए सोचने की कोशिश करिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए फटाफट बताइए कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा दूसरों का कमेंट नहीं देखना है दूसरों का कमेंट देखोगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे जो आपको बेस्ट लग रहा है कंडीशन आप अपने हिसाब से चेक चेक करिए इसको बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं है बहुत थोड़ी सी कंडीशन है देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या बोला गया था सबसे पहले इस चीज को देखो कि पी की जो पी का जो ईयर था बर्थ ईयर जो था वो या तो 1991 था या तो 1997 था अगर हम 1991 से और 1997 के हिसाब से उसकी एज निकालते हैं तो पी की एज कितनी होगी जल्दी बताइए भाई 1991 से 2020 तक कितना हो जाता है ट्वेंटी नाइन और अगर 97 से 2020 तक देखेंगे तो 23 साल मतलब पी की एज की अगर मैं बात करूं तो पी की एज क्या क्या हो सकती है या तो 29 या तो 23 यही दोनों में से कुछ एक हो सकता है हो सकता है ना अब देखिए दोस्तों आप लोगों को एक चीज बोला गया था कि भाई अमेरिका में या तो आपको पी रखना है या तो आपको ट्वेंटी रखना है या तो आप अमेरिका पे पी रखोगे या तो आप ट्वेंटी फाइव रखोगे तो हम एक बार क्या करेंगे पहले पी को रख के चेक कर लेते हैं एक बार हम अमेरिका में पी को रख लेते हैं और फिर एक बार हम ट्वेंटी फाइव को रखेंगे तो यहां पर फिलहाल के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं पी ऑब्लिक ट्वेंटी फाइव कोई एक ही आएगा इनमें से ठीक है उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आई होगी क्या मैं बोल रहा हूं पी और ट्वेंटी फाइव जो कि अमेरिका में कोई एक आना चाहिए इधर बोला है ठीक है तो दोनों चीजें तो आ नहीं सकती और अगर दोनों चीजें नहीं आ सकती मतलब कि एक-एक करके आपको चेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले चेक करेंगे इसको ठीक है सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो चलिए बनाइए जल्दी जल्दी एक बार फटाफट पी को रखिए और बताइए क्या सही हो रहा है सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाइए देखिए सिंपल सी चीज थी क्या कैसे होगा बता रहा हूं लेट सपोज ये 25 है लेट सपोज ये 25 है ठीक है अगर ये 25 है तो ये दोनों मिलाकर आपका 61 चाहिए था दोनों मिलाकर ये 25 और ये वाला वैल्यू मिलाकर आपको 61 चाहिए था मतलब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू दिखती कि 61 हो जाए 36 थर्टी सिक्स तो स्क्वायर नंबर होता है पर ऑस्ट्रेलिया में तो स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए आपको क्वेश्चन में बोला गया था मतलब डेफिनेटली आप पच्चीस ले ही नहीं सकते आपको पी को ही लेना पड़ेगा ठीक है तो पी को ही लेना पड़ेगा आपको और कुछ आप ले ही नहीं सकते इसमें यहां पी ही आएगा कंफर्म अमेरिका में तो अब देखिए दोस्तों अगर अमेरिका में पी आ गया है तब हम क्या करेंगे अब एक बार हम इसमें ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी थ्री तो एक, एक करके लेते हैं चलिए पी को हम सबसे पहले ट्वेंटी नाइन ले लेते हैं लेट सपोज कि भाई ये ट्वेंटी नाइन है लेट सपोज कि ट्वेंटी नाइन है ठीक है और कौन सा दिया था ट्वेंटी थ्री दिया था ना ट्वेंटी थ्री के हिसाब से अगर हम देखें तो थर्टी थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री सिक्स में दो कम 38, 38 82. ठीक है, हो सकता था चलिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्वेंटी नाइन को ठीक है अब पी अगर 29 इयर्स का है तो भाई ये दोनों मिलाकर 61 होना चाहिए था तो 61 होना चाहिए था मतलब ऑस्ट्रेलिया में कितनी एज जा आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया में कितनी एज आ जाएगी बत्तीस एज आ जाएगी थर्टी टू ठीक यहां तक क्लियर अब देखिए दोस्तों ये वाली कंडीशन तो हमने सेट कर दिया इसको फिलहाल के लिए ऐसे काट देते हैं इसको भी काट देते हैं और देखिए दोस्तों इसके बाद आपको और क्या दिख रहा है अब देखो दोस्तों यह दिख रहा था पी प्लस जमाइका इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री अगर पी प्लस जमाइका फिफ्टी थ्री होना चाहिए पी अगर ट्वेंटी नाइन है तो जमाइका में कितना आना चाहिए कि फिफ्टी थ्री हो जाए ये देखो ये वाली कंडीशन पी प्लस जमाइका फिफ्टी थ्री पी अगर ट्वेंटी है तो ट्वेंटी नाइन में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे फिफ्टी थ्री हो जाए चौबीस ऐड करेंगे ट्वेंटी फोर तो जमाइका हो जाएगा ट्वेंटी फोर होगा ट्वेंटी फोर अच्छा एक चीज दोस्तों दिया हुआ था कि नो वन वॉज बॉर्न बिफोर ऐसा करके दिया था ना वो वाली कंडीशन को पहले देख लेते हैं ये देखो ये जो दिया हुआ है ना नो वन वॉज बॉर्न बिफोर नाइनटीन एटी टू भाई नाइनटीन एटी टू में जो बॉर्न हुआ होगा उसकी एज कितनी होगी दो हजार बीस में जो भी नाइनटीन एटी टू में बॉर्न हुआ होगा उसकी एज दो हजार बीस में कितनी होगी थर्टी एट एंड नो वन वॉज बॉर्न आफ्टर नाइनटीन नाइनटी नाइन मतलब नाइनटीन नाइनटी नाइन के बाद कोई बॉर्न नहीं हुआ है तो अगर मान लीजिए कि 1999 में कोई बॉर्न होता है तो उसकी एज कितनी होगी भाई ट्वेंटी मतलब ये चीज आपके दिमाग में रखनी है या फिर पेज पे लिख भी लो कि जो भी एज आएंगी आपकी किसी भी पर्सन की वो 38 और 21 तक ही सीमित होनी चाहिए उससे 38 से ऊपर नहीं होना चाहिए 21 से नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है 38 21 मिनिमम और मैक्सिमम है यहां पर मैं लिख देता हूं 38 और 21 ये मिनिमम मैक्सिमम है ठीक है सभी के लिए चलिए तो अब देखिए दोस्तों पी प्लस जमाइका फिफ्टी थ्री था यह जमायका ट्वेंटी फोर आ चुका है यहां तक हो गया ये कंडीशन हो गई इसको काटते हैं इसके बाद देखिए दोस्तों जमाइका और रशिया का डिफरेंस नाइन आना चाहिए जमाइका और रशिया का डिफरेंस जो है वो नाइन आना चाहिए तो यहां पर देखिए दोस्तों जमाइका और रशिया का डिफरेंस नाइन कैसे ले सकते हैं भाई जमाइका से अगर नौ कम कर दोगे तो भाई इक्कीस साल से तो कम हो गया वो तो पॉसिबल ही नहीं है मतलब डेफिनेटली आपको जो रशिया था रशिया का एज जो है जमाइका की एज से ज्यादा रखना पड़ेगा नाइन ज्यादा तो नाइन ज्यादा मतलब कितना हो गया भाई थर्टी थ्री हो गया इसका जमाइका और रशिया की बात हो रही है ना ये वाली कंडीशन को देखिएगा जमाइका और रशिया का डिफरेंस अगर मैं जमायका में नाइन माइनस करता हूं तो एज छोटी हो जाएगी इक्कीस साल से वो पॉसिबल नहीं है तो 24 में नाइन इयर्स बढ़ा दो यानी कि 33 थ्री इयर्स वो किसकी एज हो जाएगी रशिया वाले की रशिया कहां पर था यहां पर था इसमें लिख देते हैं थर्टी थ्री यहां तक क्लियर है सभी को यहां तक क्लियर है उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आगे क्या बोल रहा है ये कंडीशन हो गई अब देखिए दोस्तों ये रशिया वाली पूरा एक के बाद एक लिंक है पूरा कुछ भी नहीं करना है आपको बस कंडीशन को समझना है अब रशिया और यू का डिफरेंस जो है वो स्क्वायर होना चाहिए रशिया और यू का डिफरेंस जो है वो स्क्वायर होना चाहिए ये कंडीशन को अभी रहने देते हैं इसके बाद वाली कंडीशन को देखिए कि रशिया और एस का जो टोटल होगा वो फिफ्टी सेवन होगा रशिया और एस का जो टोटल होगा वो फिफ्टी सेवन होगा भाई रशिया तो थर्टी थ्री मिल चुका रशिया तो थर्टी थ्री मिल चुका हा या ना मिल चुका ना भाई तो अगर रशिया आपको मिल चुका है थर्टी थ्री तो फिफ्टी सेवन तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए आपको एस की एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई थर्टी थ्री से फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन टोटल ट्वेंटी फोर मिल रहा है अब देखिए दोस्तों जैसे ही आपको एस की एज जो है वो ट्वेंटी फोर मिल रही है एस की एज ट्वेंटी फोर तो भाई ट्वेंटी फोर तो ये था मतलब ये एस यहां पर आ जाएगा ऐसा क्योंकि भाई किसी की भी एज सेम नहीं होनी चाहिए बोला था आपको क्वेश्चन में तो जब आपने रशिया प्लस एस इक्वल्स टू फिफ्टी सेवन तो भाई रशिया की एज जो थी वो थर्टी थ्री थी तो थर्टी थ्री में ट्वेंटी फोर एड करेंगे तभी फिफ्टी सेवन होता है मतलब एस की एज ट्वेंटी फोर तो एस यहीं पर आएगा और तो कहीं आ ही नहीं सकता अभी ये पॉसिबिलिटी चल रही है ना गलत भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि यही सही है गलत भी हो सकता है आगे चलते हैं दोस्तों ये कंडीशन हो गई अब एस माइनस थ्री करने से क्योंकि एज आएगी एस माइनस थ्री मतलब चौबीस में माइनस तीन करने से क्यू की एज आएगी तो क्यू की एज कितनी हो गई ट्वेंटी वन हो गई यह कंडीशन भी हो गई आपकी अब आप देखिए क्यू प्लस इंडिया का सिक्सटी टू होना चाहिए क्यू प्लस इंडिया का सिक्सटी टू होना चाहिए क्या यह पॉसिबल है जल्दी बताइए यहां पर आपकी कंडीशन गलत हो जाती है क्यू प्लस इंडिया का सिक्सटी टू होना चाहिए क्यू की वैल्यू अगर ट्वेंटी वन दिख रही है तो 21 प्लस क्या करने से 62 आता है 41 पर हमको तो मैक्सिमम 38 तक की एज चाहिए थी मतलब कंडीशन गलत हो रही है ना 41 इंडिया जो है देखो Q प्लस इंडिया 62? टू यहां पर था 21 है इंडिया 41। क्या 41 पॉसिबल है अरे भाई ये वाला जो था ना ये एस माइनस थ्री था ये मॉडर् था ये डिफरेंस नहीं था यहां डिफरेंस वाली बात नहीं हुई थी एस माइनस थ्री करने से क्यों आएगा तो एस में आप तीन प्लस क्यों कर रहे हो ट्वेंटी सेवन क्यों बता रहे हो तो ये गलत हो गया दोस्तों आपकी कंडीशन गलत है हमको क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी यहां पर चलिए फटाफट चेंज करते हैं दोस्तों तो चेंजेस जो करने हैं आपको वो करने थे पी के बाकी सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएंगी जो पी था वो तो फिक्स था भाई यहां पर अब पी की वैल्यू जो थी वो 29 और 23 में से कोई एक होने वाली थी हमने 29 चेक कर लिया जो कि गलत हो गया तो अब हम पी की वैल्यू 23 लेके बनाएंगे चलिए अब फटाफट कैलकुलेशन करते जाइएगा दोस्तों अगर पी की एज 23 है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का 61 वन आना चाहिए तो ट्वेंटी से कितना एड करोगे कि ऑस्ट्रेलिया की एज, नि एज निकल कर आ जाए जल्दी बताइए ऑस्ट्रेलिया में क्या कितना ईयर आएगा कितने साल का है ऑस्ट्रेलिया वाला थर्टी एट आएगा चाहो तो ऐड करके देख लो थर्टी एट प्लस ट्वेंटी थ्री मिलाकर होता है सिक्सटी वन जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ठीक है अब जैसे ही दोस्तों आप लोगों को मिल गया ये कंडीशन हो गई आपकी ये वाली पी वाली हो गई ये वाला हो गया ठीक है अच्छा पी प्लस जमाइका निकालते हैं अब देखो दोस्तों पी प्लस जमाइका अगर फिफ्टी थ्री था तो भाई पी अगर ट्वेंटी थ्री है तो जमाइका वाला तीस साल का हो जाएगा तभी तो ये दोनों मिलाकर फिफ्टी थ्री होगा अब जैसे ये जमाइका वाला आपने निकाल लिया इसके बाद देखिए जमायका और रशिया का नाइन डिफरेंस होना चाहिए भाई जमायका और रशिया का नाइन का डिफरेंस होना चाहिए जमायका से नौ ऊपर बढ़ाओगे तो थर्टी नाइन ईयर्स पॉसिबल नहीं है लेकिन जमायका से नौ कम करोगे तो ट्वेंटी वन पॉसिबल है तो रशिया की एज कितनी हो जाएगी भाई ट्वेंटी वन हो जाएगी यहां पर लिख देते हैं ट्वेंटी वन डिफरेंस निकालना है भाई ठीक है ना तो ये कंडीशन भी आपकी हो गई अब रशिया में U का अगर हम एज को माइनस करें तो स्क्वायर आना चाहिए ये छोड़ देते हैं अभी नहीं बनेगा रशिया प्लस एस इक्वल टू तो फिफ्टी सेवन भाई रशिया का अगर ट्वेंटी वन है अगर रशिया का ट्वेंटी वन है तो S की वैल्यू कितनी होगी भाई ट्वेंटी वन में ऐसा क्या ऐड करोगे कि फिफ्टी सेवन आ जाए ट्वेंटी वन में ऐसा क्या ऐड करोगे कि फिफ्टी सेवन आ जाए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम का नहीं है छह से आठ मिनट परफेक्ट थे इसके लिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आठ मिनट मैक्स टू मैक्स फिफ्टी क्या पूछ रहा था मैं रशिया की एज कितनी ट्वेंटी वन दिख रही ट्वेंटी वन में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि फिफ्टी सेवन आ जाए थर्टी सिक्स तो भाई थर्टी सिक्स यहां पर किसका हो जाएगा एस का हो जाएगा थर्टी सिक्स इसको हटाते हैं एस का लिख देते हैं थर्टी सिक्स ठीक है अब देखिए दोस्तों अगर एस का थर्टी सिक्स आ गया तो अभी तक तो, तो हमको पता नहीं है कि भाई एस कहां पर आ रहा है ठीक लेकिन हमको यह पता था कि एस में अगर तीन माइनस करेंगे तो की एज आ जाएगी मतलब 36 में अगर तीन माइनस करेंगे तो क्यू की एज थर्टी पता चल जाएगी हमको ठीक है यह वाली कंडीशन भी हो गई यह कंडीशन भी हो गई अब देखो दोस्तों क्यू प्लस इंडिया सिक्सटी होना चाहिए तो क्यू प्लस इंडिया अगर 62 होना चाहिए मतलब कि क्यू की वैल्यू तो 33 थी 33 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 62 हो जाए जल्दी बताओ क्यू की एज में 33 में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करेंगे कि 62 हो जाए ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी थ्री टोटल मिलाकर सिक्सटी टू होता है तो इंडिया वाले की एज कितनी हो जाएगी भाई ट्वेंटी नाइन हो जाएगी अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये वाली कंडीशन भी आपकी हो चुकी है ठीक है अब क्या बच गया भाई आपके पास यू और एस का डिफरेंस जो है वो ग्यारह का होना चाहिए अच्छा चलिए अब देखते हैं दोस्तों यू की एज निकालते हैं जब आपको पता है कि यू और एस का डिफरेंस ग्यारह साल का आना चाहिए अगर यू और एस का डिफरेंस ग्यारह साल का आना चाहिए तो यहां पर देखिए भाई एस तो थर्टी सिक्स था थर्टी सिक्स से ग्यारह ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि मैक्सिमम एज थर्टी एट हो सकती है तो डेफिनेटली थर्टी सिक्स से ग्यारह कम करके हम यू की एज निकालेंगे तो यू की एज कितनी हो जाएगी पच्चीस साल देखो ग्यारह का डिफरेंस दिख रहा है दोनों में पच्चीस और छत्तीस में ग्यारह का डिफरेंस दिख रहा है ना तो ये हो गया चलिए सब सबको मैं इरेस कर देता हूं अब बताइए दोस्तों क्या चीज करेंगे सोचिए थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है जल्दी से बताइए तब तक मैं ये सब इरेस कर देता हूं ये कंडीशन का यूज करना देखिए दोस्तों सिंपल सी चीज है यहां पर समझने की कोशिश करिएगा आपको एस छत्तीस रखना है यू पच्चीस रखना है भाई दोनों स्पेसेस खाली दिखनी चाहिए मतलब कि अगर आप यहां पर किसी एक को रख रहे हो तो यहां पर भी रखने के लिए जगह है यहां पर किसी को रख रहे हो तो यहां पर भी रखने को जगह है मतलब आप एस थर्टी सिक्स को यहां पर या फिर यहां पर रख सकते थे यू ट्वेंटी फाइव को यहां पर या फिर यहां पर रख सकते थे लेट सपोज हम इसको अभी ऑब्लिक बना लेते हैं एस यू एस यू ठीक है अभी देखेंगे आगे इसको पच्चीस छत्तीस पच्चीस छत्तीस ठीक ऐसी होगा अब देखिए दोस्तों U और S का जो डिफरेंस है ग्यारह ये हमने निकाल लिया था ना हाँ ये निकाल लिए थे इसको हटा देते हैं और क्या बचा था ऑस्ट्रेलिया वाला U से बड़ा है ठीक है अब देखिए दोस्तों यहां पर इस चीज से हमको समझ में आ जाएगा ये देखो आपको बोला था ना कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो यू से बड़ा होगा देखिए दोस्तों यू की एज अगर 25 है यू की एज अगर 25 है और आपको बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला उससे बड़ा होना चाहिए तो 25 से बड़ा होना चाहिए मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले पे 25 तो आ नहीं आ नहीं सकता भाई ऑस्ट्रेलिया वाला यू से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा होना चाहिए तो यू की एज पच्चीस है मतलब पच्चीस साल से बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया में पच्चीस तो आ नहीं सकता छत्तीस ही आएगा कंफर्म हो गया सेट कर दो भाई इसको ये एस और यू जो है ये आपका सेट हो गया यहां पर तो यहां पर आ जाएगा आपका एस थर्टी सिक्स और यू आपका यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अब देखिए दोस्तों क्या बचा हुआ है कि भाई टी जो है वो यहां पर नहीं आ सकता टी जो है वो यहां पर नहीं आ सकता ठीक है और कुछ दिया था क्या रशिया और यू का डिफरेंस जो है वो स्क्वायर है रशिया और यू का डिफरेंस पच्चीस और इक्कीस का ठीक है ये भी हो गई कंडीशन इसको भी हटा देते हैं क्या बच गया कुछ छूट गया है क्या लगभग तो सब कुछ हो गया स्क्वायर नहीं आ सकता इसको हटा देते हैं एस और यू नहीं आ सकते इसको हटा देते हैं पी ऑलरेडी हो चुका है इसको हटा देते हैं चलिए ऑस्ट्रेलिया वाला यू से बड़ा है इसको हटा देते हैं एस छत्तीस और यू पच्चीस ये भी हो गया इसको भी हटा देते हैं अब देखिए दोस्तों डब्बू जो है वो यंगेस्ट नहीं है यंगेस्ट नहीं है मतलब यहां पर डब्ल्यू नहीं आना चाहिए भाई ये यह देखो यहां पर w को क्रॉस कर दो ठीक है और क्या बोला था आर इवन आर इवन क्या था भाई आर इवन क्या था फिर से पढ़ लो यहां पर कंडीशन को द एज ऑफ आर इज एन इवन नंबर उसकी एज जो है वो इवन नंबर होगी भाई ये तो ऑड है ट्वेंटी नाइन तो ऑड है आर नहीं आ सकता थर्टी एट वाले में तो आर आएगा ही नहीं आपको खुद ही मना कर दिया अभी क्वेश्चन में ट्वेंटी वन तो ऑड है वहां भी नहीं आ सकता तो सिर्फ और सिर्फ थर्टी बच रहा है आर के लिए और तो कोई जगह ही नहीं बच रही आर के लिए तो थर्टी पे रख दो आर को समझ में आया भाई आर की एज इवन होनी चाहिए तो इवन वाले सिर्फ दो थे एक तो ये थर्टी वाला था और एक थर्टी एट वाला पर थर्टी एट पर आर नहीं आ सकता तो इसलिए सिर्फ थर्टी पे आएगा और तो कहीं आ ही नहीं सकता है पॉसिबल ही नहीं है अब क्या बच रहा है दोस्तों टी तो देखो टी जो है वो ना तो यहां पर आएगा और ना तो टी यहां पर आएगा तो टी के लिए तो सिर्फ यही जगह यहां पर टी आ गया ठीक है अब जब बोला है कि W यंगेस्ट नहीं होना चाहिए मतलब W यहां पर नहीं आएगा तो W आ जाएगा इंडिया में तो एक नाम कौन सा बच गया जल्दी से बताइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लास्ट नाम बताइए यंगेस्ट पर्सन कौन होगा P Q R S T U V V बचा है मेरे ख्याल से तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सेम आया होगा इसके हिसाब से आप चाहो तो ईयर्स लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एज के हिसाब से आप ईयर्स चाहो तो लिख सकते हो तो एक बार दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो और मैं अगले पेज पर चलकर आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं आप लोग मैच कर लीजिएगा कि सोल्यूशन सही है या नहीं ठीक है एक बार इसको नोट नहीं किया हो तो फटाफट नोट कर लो जल्दी से दोस्तों अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनकेडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहां पर आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के आपको पजल्स भी मिल जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स मेंस लेवल डीआई बहुत कुछ है वहां पर तो आप अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ए एल वन जीरो ठीक है अभी मेरे दो से तीन कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं एक बेसिक बेसिक वाला कोर्स भी स्टार्ट हुआ है एक ही क्लास उसकी हुई है और दूसरी क्लास उसकी कल होने वाली है ठीक है तो नया कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस अनलॉक कर लीजिएगा क्योंकि फ्री क्लासेस में बहुत सारी लेने वाला हूं इस मंथ में कम से कम पच्चीस से तीस फ्री क्लासेस में लूंगा जिसमें कि आप लोगों को मेंस लेवल के मैं पजल्स करवाऊंगा ठीक है तो आज शाम को भी दोस्तों मैं सात बजे क्लास एक लेने की सोच रहा हूं तो कंफर्म जैसे ही ये होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दूंगा ठीक है तो ये आंसर चेक कर लिए सही है इसी के साथ दोस्तों सेशन को खत्म करते हैं और यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बीसी वन जीरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों मेरे ही कोड है ए एल वन जीरो और बीसी वन जीरो ए एल वन जीरो बीसी वन जीरो दोस्तों एक चीज यहां पर ये जितने भी आप लोगों को कोर्सेज दिख रहे हैं अगर आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे के सारे कोर्सेस आप देखने आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है ये कोर्स ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एस बी आई पीओ मेन्स के लिए हाई लेवल रीजनिंग का ये अभी चल रहा है ठीक है ये प्रीलिम्स वाला कोर्स है इसके अलावा दोस्तों ये डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स है यहां पर ये मेंस लेवल पजल का कोर्स है ठीक है है ये प्रीलिम्स का तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे एडवांस कोर्स ऑन रीजनिंग पचास क्लासेस है इसमें मेन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है ये अगर आप इसको देखते हैं तो आपका मेन्स की तैयारी लगभग आधी तो इसी में हो जाएगी रीजनिंग की ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है दोस्तों ये सारे के सारे आप देख सकते हैं अगर आप प्लस प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए अनअकेडमी का और उसके बाद फिर कोड इस्तेमाल करके अनलॉक कर लीजिए फिर उसमें फ्री क्लासेस देखना स्टार्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है आपको लगता है कि लेना चाहिए तो वन ईयर या टू ईयर में से कोई सा भी आप ले सकते हैं आप उससे कम का भी ले सकते हैं लेकिन उससे कम समय में आप एक कोर्स को भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा आप सही तरीके से नहीं प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाओगे कम से कम छह महीने एक साल या दो साल वो आपकी चॉइस है ठीक है चलिए खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को मिलेंगे फिर कल और कल भी एक पजल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मिलेंगे कल की क्लास में थैंक यू फ्रेंड्स हैव डे ऑल द बेस्ट